हेलो बच्चों, आज 22 का पहला दिन है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। 22 आपका ऐसा साल रहे जो आप जिंदगी भर ना भूलो। एक्चुअली IIT ही बन जाओ आप इस साल। यही अपनी साइड से दुआएं करता हूँ आपके लिए। एंड हाँ, कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, बोलते हैं सर कि ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है, क्या करें सर, कैसे करें। घबराते हैं बहुत बेसिकली चीज़ों से, मैंने देखा है एक्चुअली। तो कोई नहीं, मतलब इनसे डरो मत, बस तुम इसे ऐसा देखो कि जिंदगी तुम्हें स्ट्रांग बना रही है, एक्चुअली स्ट्रांग बना रही है। एंड इसी बात के ऊपर ये कविता मैं तुम्हें सुनाना चाह रहा हूँ अपनी साइड से, लिखी हुई है वैसे तो पूरी। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। इसका मतलब समझो, मैं बोले तो मतलब आप लोग हो गए बेसिकली, हम सब लोग हुए। यूपीएन से ज़्यादातर लोगों की लाइफ थोड़ी टफ ही होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में नदियाँ होती हैं उन्हें बहुत सपोर्ट करने के लिए। एक्चुअली मतलब समझो, नदियाँ बोले तो मतलब एक पेरेंट्स तो सबकी लाइफ में ही होते हैं बेसिकली। बाकी और भी चलो बहुत सारे लोग हैं, बाई डिफॉल्ट सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उनके पास बेसिकली। मतलब समझो गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए, वो वाली बात है बेसिकली। तो उनकी लाइफ थोड़ा इजी रहती है, तुम्हें लगेगा ऐसा है कि रहने तो सब मिल रहा है, ये तो बड़े आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, सब इतने आसानी से हो रहा है इनकी लाइफ में एक्चुअली। तो ऐसा हो सकता है कुछ लोग हो और तुम शायद वैसे ना हो, नो प्रॉब्लम। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, फाइन। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। बंजर माटी वाले समझो मतलब बहुत अभावों में रहो, मतलब कुछ रहा नहीं है आपके पास, कुछ बहुत सारी तकलीफें झेली हैं, कुछ कुछ भी कोई फैसिलिटी नहीं है, मतलब कोई भी सुविधा आपको शायद नहीं मिले। तो ऐसा हो सकता है बेसिकली। और आप ऐसी ऐसी कंडीशंस में भी अगर आप अपनी ज़िंदगी बना पा रहे हो, जो कि बनाते हैं लोग, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ ऐसे हैं भाई, सबकी लाइफ में है तकलीफें बेसिकली, लेकिन बनाते हैं फिर भी अपनी ज़िंदगी। एंड दे आर वेरी रफ एंड टफ, सीरियसली दे आर वेरी रफ एंड टफ। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पे लिखी इबारत हो, मैं पत्थर पे लिखी इबारत हो, शीशे से कब तक तोड़ोगे। समझो जब तुम इतनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी बनाओगे तो पत्थर पे लिखी हुई चीज़ बन जाओगे तुम बेसिकली, शीशे से तोड़ नहीं सकते। होता है ना ज़िंदगी में कुछ लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, एक्चुअली आगे भी गिरा नहीं पाएंगे। सीधा सीधा बोलो तो उनकी औकात नहीं होगी तुम्हारे सामने बेसिकली। तुम पत्थर रहोगे तो वो कांच रहेंगे, वही टूटेंगे एक्चुअली, अगर वो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे तो। मिटने वाला में नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। जितनी टफ कंडीशंस में रह के तुम अपनी ज़िंदगी बनाओगे तो तुम्हारा नाम इतनी आसानी से मिटेगा नहीं, सदियों तक रहेगा बेसिकली, कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें एक्चुअली। तो इन तकलीफ़ों से घबराओ मत, लड़ो, लड़ो ज़रूर, फाइट ज़रूर मारो बेसिकली। ज़िंदगी में लड़ना आना चाहिए आपको बेसिकली, ज़रूरी है एक्चुअली। तरीका आपका भले ही कैसा भी रहे पर करना चाहिए आपको एक्चुअली, समझ लो। लाइफ स्ट्रगल ही है फाइनली, तो स्ट्रगल तो करना ही होता है एक्चुअली, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो स्ट्रगल है ये, और करो अच्छे से और अच्छे से मेहनत करो। हाँ अभी इतना ज़रूर बोलूँगा मैं, जेई मेन्स के टेस्ट देना स्टार्ट कर दो डेली। 2013 से लेकर 2021 तक बहुत सारे टेस्ट हुए हैं बेसिकली, ऑफिशियल जेई टेस्ट। तो डेली एक एक टेस्ट दो तुम, एक 2013 से स्टार्ट करो, अगले दिन आगे का दो, समझो थोड़ा ऐसे दोनों साइड से चलो बेसिकली। तो सारे टेस्ट आपके बहुत इजीली कवर हो जाएंगे, नए पुराने। आज नया पुराना दे रहे हो, कल नया दे दो, कल फिर से पुराना, परसों फिर से नया, एंड सो ऑन, ऐसे करके दे दो बेसिकली। तो सारे टेस्ट को दो और इनसे सीखो, घबराना मत। मतलब तुम्हारा हो सकता है 360 में से 100 का स्कोर है, इट्स गुड। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, इट्स अ गुड फॉर स्टार्ट बेसिकली। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी तो इट इज़ अ गुड स्कोर एक्चुअली। तो ढंग से उससे कुछ सीखो, और हाँ अपनी कमियों को जरूर देखो और खुद को इम्प्रूव करो एक्चुअली। तो इम्प्रूव जरूर करो बेसिकली, तो
ठीक है, और कम स्कोर से घबराओ मत, धीरे धीरे डेफिनेटली बढ़ेगा। एंड छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ डेली, तुम ऐसा रखो कि चलो 10 10 नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, 5 5 नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो सोचो कि अभी तुम्हारे पास पहले जेई मेंस तक है अभी 50 60 दिन, तो तुम अगर सच में ऐसे शुरू के चलो 20 दिन, तुम 5 5 नंबर भी बढ़ा दो, 10 10 नंबर बढ़ा दो, तो सोचो किस रेंज तक जा सकता है स्कोर। वैसे एक टाइम के बाद थोड़ा कम बढ़ेंगे बेसिकली, से एक एक नंबर या दो दो नंबर ही बढ़ जाए एक टाइम के बाद, वही बहुत होता है। मान लो तुम्हारा स्कोर 210 को टच कर गया बेसिकली 300 में से, तो फिर ठीक है, रोज ऐसा रखो टारगेट की ठीक है 3 3 4 4 नंबर ही बढ़ाएंगे बहुत है बेसिकली, दो दो नंबर बढ़ाएंगे, या चलो इतना ही स्टेबल रखते हैं स्कोर, वही बड़ी बात है। तो ऐसे करके करो, और कोई दिक्कत आए तो अनडाउटेडली वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, पूछा करो, खुल के पूछा करो। तो मैं कई बच्चे ना पूछते नहीं है, बोलते नहीं है बेसिकली, घबराते हैं, ऐसा मत करो बेसिकली। जो भी हो बिंदास खुल के बोलो, हमारा काम अपनी साइड से तुम्हें सब पढ़ाना, पढ़ा दिया, समझाना, समझाते रहते हैं बेसिकली। पर तुम्हें कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो तो अनडाउटेडली खुल के पूछा करो बेसिकली, सर ऐसा है क्या करें हम लोग, और जो भी हो एकदम ऑनेस्टली बोल दिया करो। कई बच्चे हैं ना अपनी उन बातों को छुपाते हैं, पढ़ाई की नहीं होती है, उसे छुपाएंगे और कुछ बोलते रहेंगे, सर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सर मैं तो बहुत कर रहा हूँ पर हो नहीं रहा, तो वो तो फिर होना ही नहीं है एक्चुअली। तो सच सच बोलो कि सर हमने ये नहीं पढ़ा है अभी, अब मुझे कवर करना है सर, आप पक्का कवर करूँगा तो कैसे करें, तो ऐसे ज़रूर एक बार डिस्कस कर लिया करो, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू अकॉर्डिंगली। चलो देन, हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू।